गाइस ये जेब्रोनी का जेब बिलो है, एक ट्रूली वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर जेब्रोनी की तरफ से। और गाइस इसके अंदर मुझे काफी अमेजिंग एक फीचर देखने मिला, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या मिलता है। तो गाइस सबसे पहले इसको हम खोलते हैं इधर से। तो भाई सबसे पहले आपको एक केबल देखने मिल जाता है, और अगर ये कोई नॉर्मल केबल नहीं है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी कमाल का चीज़ देखने मिल जाएगी, जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मतलब ये बहुत मल्टीपर्पज मल्टी टैलेंटेड केबल है। तो इसको हम रखते हैं साइड पे, और अगर यहाँ पे आपको एक पेपर वेपर देखने मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स है कैसे यूज़ करना है, कैसे कुछ करना है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। अभी असली प्रोडक्ट वो भाई, मतलब काफ़ी छोटा है, एकदम हाथ के अंदर गायब हो गया भाई, इसको गायब कर दिया मैंने। तो भाई इसके अंदर ना इधर आपको जाली मिल जाता है जो कि मेटल का है, और ये पूरा पूरा प्लास्टिक का है, लेकिन भाई बहुत ही तगड़ा प्रीमियम फील मिलता है। मैट फिनिश है, लेकिन भाई सॉफ्ट टाइप का एक फिनिश मुझे बहुत ही तगड़ा लग रहा है देखने में। और इधर आपको जेब्रोनी का ब्रांडिंग देखने मिल जाएगा, चार बटन देखने मिल जाएगा, उसके अंदर मोड का बटन देखने मिल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन और सॉन्ग को प्ले पॉज करने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। पीछे भाई आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यूएसबी से पेन ड्राइव से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ तो इसके अंदर है ही। और इस साइड में आपको एक स्ट्रिप देखने मिल जाएगा, जिससे आप इसको कैरी कर सकते हो, कहीं भी टांग सकते हो, या फिर टेबल भी रख सकते हो, बहुत ही छोटा है। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था गाइस, वो ये है, मतलब इधर आप देख सकते हो, ये एक वूफर है। वूफर जिनको पता नहीं है गाइस, ये बेस को बहुत ही तगड़ा बना देते हैं। मतलब बेसिकली बहुत ही जो महंगा बॉक्स या फिर जो डीजे वीजे में होता है ना, उसके अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर मिल जाएगा। इसको हम टेस्ट करेंगे, एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। तो पीछे इधर आपको बटन मिल जाएगा, जिसको आप ऑन कर सकते हो। ओ भाई इसके अंदर For life. अच्छा, Bluetooth mode. तो ये ब्लूटूथ मोड पे अभी है, लेकिन गाइस इसके अंदर आप देख सकते हो कलर वाला है, जिसको मतलब भाई एडजस्टेबल कलर है, मतलब चेंज हो रहा है भाई, गिरगिट तरह रंग बदल रहा है, लेकिन भाई बहुत ही तगड़ा है। तो हम इसको एक बार पेयर करके देखते हैं कि कैसा है साउंड क्वालिटी इसका। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और भाई सब्सक्राइब भी कर दो। अगर लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब। तो भाई ये कनेक्टेड हो चुका है, इसका नाम जेब बिलो है। तो भाई ये अभी फोन को प्ले करके देखते हैं कैसा साउंड क्वालिटी है इसका। तो आपने सुना गाइस, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी इसका है, मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि इतना साउंड क्वालिटी इसके अंदर मिलेगा। और इसके अंदर जो बटन से, इससे आप प्ले पॉज तो कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन तो कर सकते हो, उसके साथ साथ आप सॉन्ग को मतलब चेंज भी कर सकते हो, प्रीवियस और जो नेक्स्ट मोड पे आप चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। और भाई हम एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता है कि ऐसे दिखावा के लिए है। तो हम एक बार डीजे सॉन्ग को प्ले करके देखते हैं। मैंने एक बार इसको प्रेस करके देखता हूँ, अगर ये काम करता है तो प्रेस करने से मतलब साउंड में थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, थोड़ा चेंजेस आएगा। तो एक बार देखते हैं इसको भी चेक करके। काफ़ी तगड़ा काम कर रहा है इस स्पीकर की रिदम पे, ये भी नाच रहा है। मतलब ये दिखावे के लिए नहीं है, धोखाबाजी नहीं है, काम बहुत ही अच्छा करता है। लेकिन मुझे एक चीज़ खराब लगा कि इसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा को नहीं मिलता है, छोटा मोटा मतलब बहुत ही कम वॉल्यूम है। भाई क्या ही जाने इसके अंदर भाई कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन काफ़ी तगड़ा साउंड क्वालिटी, टोन या फिर जो आपकी बेस म्यूजिक है ना, वो काफ़ी अच्छा सुनने के लिए मिलता है। भाई इसकी प्राइसिंग और इसकी जो मतलब हाइट है ना, इसके हिसाब से आपको बहुत ही तगड़ा साउंड क्वालिटी मिलता है, इतना ज़्यादा खराब नहीं है। और आपको बॉक्स के अंदर बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएगा, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। स्पीकर है वो 3 वॉट का है, 5.0 ब्लूटूथ वर्जन देखने मिल जाएगा, 52 mm की ड्राइवर आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर यूएसबी और माइक्रो एसडी कार्ड आप 32 GB तक लगा सकते हो। MP3 और WAV जो म्यूजिक फॉर्मेट होता है ना, उसको भी प्ले कर सकता है। ये मतलब मोड को भी चेंज करके देखता हूँ इधर इससे। तो ये अभी एफएम मोड पे है, तो अब ये ऑक्स मोड में सेट हो चुका है। मतलब आप इसको ऑक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये केबल लिखने मिलता है ना, इस केबल के थ्रू आप इसको प्ले कर सकते हो अपने मोबाइल से। तो ये है वो केबल गाइस, इसके अंदर आप इसको चार्ज भी कर सकते हो, इससे आपकी ऑक्स को भी प्ले कर सकते हो। तो इसको आपको लगाना होगा अपने मोबाइल पे, जो मतलब माइक्रोवेव भी है ना, इसको आपको इस तरह इधर इंसर्ट करना है। तो ये अभी ऑक्स मोड में सेट हो चुका है, तो अभी भी एक म्यूजिक को प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो मैं मोबाइल से म्यूजिक को प्ले कर रहा हूँ, आप सुन सकते हो। और इसको चार्ज करने के लिए आपको इसको यूएसबी में प्लग इन करना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाएगा। और भाई काफ़ी तगड़ा लगा मुझे भाई ये प्रोडक्ट, मतलब इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, और जेब्रोनी कोई मतलब ऐसा खराब ब्रांड नहीं है, बहुत ही तगड़ा ब्रांड है, तो इसके ब्रांड की तरफ से आता है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आपको ये रिव्यू और ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताना, और ऐसी अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट रिव्यू के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में, गुड बाय।